दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने रहे हैं, क्योंकि आपके मोबाइल पे कभी कभी किसी को कॉल लगाते हैं तो जियो के नंबर से कॉल नहीं लगती है, या अगर आप कभी कभी नेट यूज करते हैं तो ऐसे में नेट भी काम नहीं करता आपका पूरी तरीके से। तो जैसे कि मैं आपको पहले दिखा देता हूँ ये जियो के मोबाइल में इस तरह की प्रॉब्लम क्यों होते हैं, ये इसका भी कारण हम बताएंगे, जिसका वजह है वोल्टी, जो आपको हम अभी सेटिंग में ले जाएंगे। तो पहले अभी आपको हम दिखा देते हैं, जैसे कि मैं यूट्यूब खोल रहा हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं नेट काम नहीं करा, और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर नेट ऑन है, फिर भी मेरा नेट नहीं काम कर रहा। और यहाँ पर मैं बैक आता हूँ और यहाँ पर किसी भी नंबर को कॉल मिलाता हूँ जियो के नंबर से, तो यहाँ देख सकते हैं कॉल नहीं लग रही, यहाँ लिख रहा है नॉट रजिस्टर्ड ऑन नेटवर्क, यानी कुछ ना कुछ सेटिंग में प्रॉब्लम है। तो ये इस तरह का अगर आपका मोबाइल में प्रॉब्लम आता है तो ये सेटिंग को आप कैसे सुधार सकते हैं और कैसे अपनी कॉल को फिर से उसी तरह से कर सकते हैं और अपना नेट का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, तो जानने के लिए इस वीडियो को पूरा पूरा देखते रहिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम बैक आते हैं। आप यहाँ पर आपको सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा सैमसंग मोबाइल में, यहाँ पर आपको वाईफाई ब्लूटूथ डाटा यूजिंग का ऑप्शन दिखाई दे जाएगा। यहाँ से आपको नीचे आना है, यहाँ नीचे आएगा तो यहाँ देखिएगा सिम कार्ड मैनेजमेंट मैनेजर का एक ऑप्शन दिखाई देगा, सिंपली उस पर आपको जाना है। और यहाँ पे आपको दो सिम वन और टू दिखाई देगा, जैसे कि जियो की प्रॉब्लम थी तो जियो में हम सिंपली क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको दिखाई देगा नेटवर्क नेटवर्क का, और नीचे में सबसे ऑप्शन जो लास्ट में है यहाँ आप देखेंगे, यहाँ पे आपकी कहीं कहीं ऑटोमेटिक या सेटिंग या कोई चेंज कर देता है या खुद से हो जाती है। तो ऐसे में आप इस सेटिंग को गलत से सही कर सकते हैं, जैसे कि LTE 3G 2G ऑटो कनेक्टिविटी का आपको ऊपर वाले पे क्लिक करना है सिंपली, और ये चेकिंग लेने लगेगा और आपके नेटवर्क वेरीफाई कर देगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे LTE LTD और LTE और वोल्टी का दोनों का ऑप्शन आ गया है। अब इस तरह से आप मेरा नेट काम भी करेगा, और मैं आपको चीज़ को दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे पहले नेट ऑन करके आपको दिखा देना चाहूँगा, तो जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पे नेट खुल गया है और नेट भी काम करने लगा, और हम यहाँ से किसी को भी कॉल मिलाते हैं तो यहाँ से देख लेते हैं कॉल मिला के, जैसे कि यहाँ पे जियो कंप्लेन का नंबर है, तो मैं किसी को भी कॉल मिला के देखता हूँ जो मेरी कॉल को जवाब ना दें। तो चलिए हम ये कॉल है और मैं इस पर कॉल मिला के आपको दिखाता हूँ ये कॉल लगती है कि नहीं। तो जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं कॉल जा रही है, यानी ये कंप्लीट हो गया कि आपका ये सेटिंग सही हो गया है। इस तरह अगर आपकी कॉल या नेट नहीं काम करती हो तो इस सेटिंग का इस्तेमाल करके आप अपनी चीज़ों को सही कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सेटिंग आपको जरूर पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिएगा। हम इस तरह के वीडियो लाते रहते हैं हमेशा के लिए, अभी के लिए लेते हैं, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।